हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, 2008 में आमिर खान की फिल्म गज में रिलीज हुई थी, जो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई थी और एक रिकॉर्ड बनाया था। ये फिल्म 2005 की सूर्या की तमिल फिल्म गजनी का रीमेक थी। आमिर खान की गजनी का निर्माण हिंदी में अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद ने किया था। अब उनके एक रिकॉर्ड तोड़ सहयोग के 14 साल बाद अल्लू अर्जुन लाल सिंह चड्ढा के लिए एक बार फिर आमिर खान के साथ फिर से जुड़ने के लिए तैयार हैं। 1994 की बॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप की रीमेक लाल सिंह चड्ढा के बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेकर होने की उम्मीद है और ये भारत में दंगल को हराकर बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन सकती है। गाइस, एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के तेलुगु राइट्स अल्लू अरविंद ने अपनी फिल्म प्रोडक्शन बैनर गीता आज के अंडर खरीद लिए हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अल्लू अरविंद ने आमिर खान प्रोडक्शन को फिल्म के तेलुगु राइट्स हासिल करने के लिए बड़े अमाउंट का भुगतान किया है। अपने पिछले कोलैबोरेशन के साथ एक ब्लॉकबस्टर के रूप में अल्लू अरविंद अब लाल सिंह चड्ढा के साथ उसी को दोहराने की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा फिल्म से नागा चैतन्या का बॉलीवुड डेब्यू भी हो रहा है, जो सेना में अपने कार्यकाल के दौरान आमिर खान के दोस्त की छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देंगे। और इसके अलावा आमिर खान के स्टारडम से लाल सिंह चड्ढा में तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा पैसा बनाने की क्षमता है। सीक्रेट सुपरस्टार फेम अदय चंदन द्वारा डायरेक्ट किया गया है। फिल्म में करीना कपूर खान, मोना सिंह और माना विज भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। गाइज, ये भी बताया गया है कि शाहरुख खान फिल्म में खुद के एक छोटे कैमियो रोल में दिखाई देंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि ये फिल्म साउथ में चलेगी या नहीं, कॉमेंट जरूर करें। एंड फॉर मोर सच वीडियोस यू नो व्हाट टू डू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू नो व्हाट ऑन। थैंक यू।